गाइस तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ आप लोगों का फेवरेट यूट्यूबर दी पोजनर। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना ये टाउन हॉल 10 का बीच दिखाने लगा और साथ में वर्ल्ड लीग शुरू हुई। आप सभी लोगों को पता है तो वर्ल्ड लीग में कुछ अटैक्स करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टाउन हॉल 10 है और बिल्डर्स यहाँ पे आप देख लेंगे कि 3 लगे हुए हैं अभी तक और बहुत देर तक लगे हैं, 1-5 घंटे का और एक बहुत आगे तक लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पर क्लैन वर्ल्ड लीग में जाके देख सकते हैं कि हमारा पता नहीं किस अपोनेंट के साथ पैगेनेट के साथ वो लगा। और यहाँ पर एके पैटल का अटैक ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टार्स की ज़रूरत होती है। आप सभी लोगों को पता है कि स्टार्स की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे देख लें 2 स्टार्स होते तो हम भी दूसरे नंबर पर आ सकते थे, लेकिन ये यहाँ से 2 स्टार्स की मार इसने खिलवा दी हमें। तो यहाँ पर तीसरे नंबर को देख लेते हैं, क्योंकि हमारा टाउन हॉल 10 है तो तीसरे नंबर पर अगर हम अटैक कर सकते हैं, नहीं भाई हमने करना ही नहीं यहाँ पर अटैक, क्योंकि इन्फर्नो से भाई मुझे वो डर लगता है। इन्फर्नो को बस किसी तरह हैंडल कर लें तो हम टाउन हॉल 10 पर इजीली अटैक 3 स्टार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अटैक करना है, यहाँ पर एयर डिफेंस में देख लेता हूँ सारी हैं, तो यानी कि 12 हमें लाइटनिंग स्पेल्स चाहिए होंगी, क्योंकि लेवल सेवन की लाइटनिंग स्पेल से लेवल 7 की 3 दफ़ा अगर हम लाइटनिंग स्पेल डालें तो वो एक टूट जाती है तो 12 हो जाएगी इसलिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सेट कर लेते हैं फ्रीज स्पेल को यहाँ पे सेट कर लेते हैं लाइटनिंग स्पेल पे और 2 बैलून्स ही फिर ले लेते हैं। चलो कन्फर्म करते हैं, 21 रेड मेडल्स लग रहे हैं, बाय करते हैं भाई। चलो अभी यहाँ पे आके हम अटैक करते हैं, कोई और टाउन लाइन हम देख लें क्या, कोई और भी टाउन हॉल लाइन देख लेते हैं कि ये वाले कैसे क्या, अगर ये वाले ज़्यादा इजी हैं या उससे कम इजी हैं या वही उसी वाले पे अटैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी और ने करना हो तो यहाँ पर कर लेगा, ये बहुत इजी है। लेकिन हम वहाँ पर यहाँ पर कोई और कर ले, हम वहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि हमारा टाउन हॉल 10 भी है। तो चले जाते हैं, यहाँ पर किसी और बंदे ने किया हुआ है तो आगे चले जाते हैं। यहाँ पे आगे हमारा किस पे था, 4-4 पे अटैक करना है तो 4 पे अटैक करने कर लेते हैं हम। यहाँ पर आकर अटैक के ऊपर क्लिक करते हैं और आप यहां पर देख सकते हैं हमारा ये जो बेस है, ये भाई का बेस है। इस भाई का नाम देख सकते हैं यार, वहां पे पॉइजनर्स वाला अटका हुआ है। तो यहां पे देख लेते हैं, हम 3 स्पेल्स डालेंगे यहां पर और ये गया भाई धमाका डोज। और उसके बाद यहां पर हम 3 स्पेल डालते हैं, लेकिन इसका जो सफ़र कर लें आर्चर क्वीन का, तो ये आर्चर क्वीन भी गई नहीं, अभी नहीं गई क्योंकि इसकी थोड़ी सी पावर रह गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर भी 3 लाइटनिंग स्पेल्स मारेंगे और ये 3 लाइटिंग स्पेल्स मारी। और इसके बाद हमें यहाँ पर 4 चीज़ें लेकर जानी है, तो ये लो भाई 4 चीज़ें ले ली हमने। और भाई ये लावा हाउंड में किस लिए लेकर आए हैं, मेरे दिमाग से निकल गया, क्योंकि मैंने लावा हाउंड अपनी आर्मी में ऐड किया हुआ है, तो लावा हाउंड मुझे नहीं था लेकर आना चाहिए, क्योंकि भाई बेवकूफ भी हो गई, लावा हाउंड को हमने नहीं कैंसिल किया और यहाँ इसकी जगह हम ड्रैगन और 2 बैलून्स ही ले लेते। तो चलो कोई नहीं, अब हमने रोना थोड़ी है यहाँ पर बैठ के, या एग्जिट थोड़ी है, सरेंडर थोड़ी कर देना है यहाँ पर आगे। भाई अपना लावा हाउंड भी छोड़ देते हैं यहाँ पर, ताकि जो आर्चर क्वीन है ये इसको टारगेट, और लो वहाँ से निकला है भाई हमारा, ये इसको इलेक्ट्रो ड्रैगन कहते हैं ना, इलेक्ट्रो ड्रैगन यहाँ से भाई निकला है यहाँ से। तो चलो शुक्र है अभी हमने बैलून्स ही नहीं छोड़े, अब हमारा खुशी खुशी करके सही सही होकर हैप्पी हैप्पी होकर ये बस इलेक्ट्रो ड्रैगन मर जाए, क्योंकि इसी का ही तो मसला होता है। मैं इसी को भूल ही चुका था दरअसल में, वरना मैं पॉइजन वाली स्पेल्स या लाइटनिंग स्पेल्स कम लेकर आता और पॉइजन स्पेल ले आता। चलो कोई नहीं, हमारा वो मर गया इलेक्ट्रो ड्रैगन और ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर हमें एक बैलून्स वगैरह भी छोड़ने हैं, ये बस हमें इसको टारगेट कर लें, वो तो हमारा मर चुका है वो एक्सबो, एक और एक एक्सबो हम यहाँ पे बैलून छोड़ते हैं तो वो वहाँ पर चले गई यार। ये आर्चर टावर भी ना तोड़ दो, टूट गया आर्चर टावर। और अब ये यहाँ पर बॉम टावर के पास आएंगे और बॉम टावर से हम जाएंगे वहाँ पर एक्सबो की तरफ, क्योंकि हमें एक्सबो तोड़नी है बस अभी यहाँ पर। तो एक्सबो टूट जाए, टकॉर्ड हो रही है, अभी रिकॉर्ड हो रही है, वो इतने बैलून चले गए हमें छोड़ने बस यहाँ पर। उसके बाद हमारी आर्चर पिन की क्या कहते थे इसे यार, मैं जब भी रिकॉर्ड करता हूँ, जब भी वॉइस ओवर करता हूँ तो मुझे सब कुछ बोल जाते हैं, एबिलिटी कहते हैं इसे वो आर्चर क्वीन की जो एबिलिटी है, ये एबिलिटी बस हमारी रहती है, हम यूज़ ना भी करें तो खैर है, यूज़ करने में तो खैर है। तो चलो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 स्टार हमारा इजीली परफेक्ट हो चुका है। तो मैप के ऊपर चलते हैं, चलो यहाँ पे आके देख लेते हैं अब हमारे कितने स्टार्स हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे हो चुके हैं 13 स्टार्स और सीजन इन्फो पे जाके देख लेते हैं हम आ चुके होंगे दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर हम आ चुके हैं और हमें पहले नंबर पर आना है, कुछ कम स्टार्स नहीं है। तो हम चलते हैं अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमने आर्मी वगैरह ऐड करनी है तो यहाँ पर कुछ अपग्रेड कर लेते हैं, यहाँ से हम ये पकड़ लेते हैं सारा कुछ। और वॉल्स वगैरह अपग्रेड करनी तो वॉल्स वगैरह अपग्रेड कर लेते हैं, हमारे ये एलिक्सर तो है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कर देते हैं। लेकिन अभी रुक जाए, यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से अभी ये 2 घंटे बाद ख़त्म हो जाना, तो हम यहाँ पर कुछ ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी ये मैंने अभी अभी टाउन हॉल 10 किया ही है तो अपग्रेडेशन भी तो करनी है जो हमारे यूज़फुल हैं, जैसे कि ड्रैगन और बैलून्स, ये तो हम लोगों ने कर लिए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, देख लें आप यहाँ पर, और यहाँ पर हम ये मैं तो कह रहा हूँ इन्फर्नो कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 50 लाख है इस वक्त कॉइन्स, तो इन्फर्नो कर देते हैं। मेरे हिसाब से तो इन्फर्नो ठीक है, क्योंकि एक्सबो भी हमने एक लेवल 4 की कर ली, बाकी भी हमें करनी है, तो यहाँ पर इन्फर्नो कर देते हैं भाई, सोचना क्यों। ये लो भाई इन्फर्नो
मतलब कि 45 लाख का हो रहा है, मुझे लगा शायद 50 लाख का होता है। लेकिन चलो भाई हमारे पास और भी कुछ आईडीज़ हैं, हम यहाँ से भी वो अटैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये हमारा एक और न्यू बेस है, न्यू बेस किया बहुत देर होगी, टाउन हॉल 9 इधर भी, अभी भी टाउन हॉल 9 किया। बस यहाँ से मैं अटैक ही करता हूँ, तो यहाँ पर हम अटैक्स देख लेते हैं किसके ऊपर हम अटैक्स करें। तो जो ईजी होगा उसके ऊपर अटैक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार्स मैटर करते हैं, हमें सबसे पहले नंबर पर आना है। डिस्ट्रक्शन भी हमारी 100% होगी तो तभी हम क्लैन वर्ल्ड लीग जीत पाएंगे। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारी जो लेबोरेटरी है वो अपग्रेड हो गई है, जिसकी वजह से हमारी ये जो आर्मी है वो भी हमारी बूस्ट हो चुकी है। तो चलें हम चलते हैं दूसरी तरफ, इसको अपग्रेड कर देते हैं कि नहीं। अभी हमारे पास यहाँ पे स्पेल्स वगैरह पड़ी हैं, 3 हीलिंग स्पेल्स और वो एक लाइटनिंग स्पेल, और जिस तरह के मैं पहले से ही मेरी ये आर्मी रेडी है। तो यहाँ पर हम स्काउट कर लेते हैं, यहाँ पर आकर देख लेते हैं हमारी किस तरह की है। नहीं भाई इधर भी हमें नहीं करना, और मैंने एक बेस देखा था, ये वाला बेस देखा था मैंने, क्योंकि इधर इसकी जो ये सीसी है यानी कि क्लैन कैसल है ये यहाँ पर है, और यहाँ से हम इसको फारिग करके ख़त्म कर देंगे। और हमें टेंशन ये क्या होगा भाई, अच्छा जी स्टोरेज स्पेस की भी मसला आ गया, वो हम ठीक कर लेते हैं, उसकी हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, वो ठीक करके भाई हम आ जाते हैं फिर हम। अब और क्या कर सकते हैं, तो भाई हम आ चुके हैं ठीक करके। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर हमें 5 ये होग्स हैं, तो भाई अगर पीछे नॉइस आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। 5 होग हमने ले लेने हैं, और यहाँ से हम कौन सी स्पेल लें, इनविजिबल ले लें या फ्रीज पॉइजन, पॉइजन लेनी चाहिए भाई स्पेल, क्योंकि पॉइजन हम स्पेल लेंगे तभी तो हम उसको जो सीसी होगी उसको ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रो ही होगा टाउन हॉल 9 जो है बेस। तो चलते हैं भाई, टाउन हॉल 9 कौन सा था, ये 6 वाला था, तो स्काउट कर लेते हैं दोबारा से। और हमें आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ हम किस तरह इसके ऊपर अटैक करेंगे, और आगे वाला नहीं भाई हमें उसी वाले पे अटैक करना है, क्योंकि वही वाला बेस्ट है, जो दिल को अच्छा लगे उधर ही हमें अटैक करना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास आर्मी है, आर्मी में हमारे पास आर्चर भी है, क्योंकि हमें इस क्लैन सीसी खाली करनी होती है। यहाँ पर हम एक आर्चर छोड़ेंगे और इसको सीसी को यहाँ पर बुला कर ख़त्म कर देंगे, और यहाँ से होग राइडर्स की बस बरसात कर देंगे। और यहाँ पर हीलिंग स्पेल, इधर हीलिंग स्पेल डालेंगे, जिस तरह वक्त की मुनासिबत के साथ साथ हमें हीलिंग स्पेल डालनी है, लेकिन ये हमारा एक प्लान है। तो हमने इस तरह अटैक करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अटैक के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारी आर्मी फुल रेडी है, तो अटैक के ऊपर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर आर्चर टावर हमारे पास, और आर्चर है हमारे पास, और ये आर्चर को छोड़कर चल भाई मार से बहुत टाइम लेगा ये इलेक्ट्रो ड्रैगन। तो चलो यहाँ पर आ जाते हैं स्पेक्टेटर्स में, हमारे यहाँ पर 1 है, शायद ये एनिमी टीम का देख रहा है कोई बंदा, या हमारी टीम का होगा कोई बंदा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम यहाँ पर पॉइजन स्पेल डाल देने, यहाँ पर एक ड्रैगन सबसे पहले डालेंगे ताकि ये ड्रैगन को टारगेट करे, और यहाँ पर 3 विजर्ड्स डाल देंगे, और पता भी नहीं लगना है ये इलेक्ट्रो ड्रैगन गया कहाँ। बस हम अगर दिमाग से खेलने सोच कर आएँ पहले से कि भाई सीसी खाली करनी है तभी हम जीत सकते हैं। पिछली मरतबा जो टाउन हॉल 10 से मैंने अटैक किया उसमें तो मैं सोच कर ही नहीं आया था कि भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन निकलेगा और सीसी भी होती है, किसी सीसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं, अब हमें वो हीलिंग स्पेल डल गई भाई, ये ले ना जाए हमारे ये जो होग्स हैं। हम यहाँ पर भी एक हीलिंग स्पेल डाल देते हैं, अब क्या ही हो सकता है। चलो भाई डाल हीलिंग स्पेल, यहाँ पर हमें अपने होग्स जो बचाने हैं ना, तो हम यहाँ से होग्स छोड़ देते हैं इधर की तरफ, 5 होग्स जहाँ से, और हमारे पास जो क्लैन कैसल सीसी में है होग्स वो यहाँ से छोड़ देते हैं, और लोग वहाँ से वो निकलाए क्या कहते हैं अब इनको तो मुझे नहीं पता भाई। यहाँ पर हमारे पास लाइटिंग स्पेल है, तो ये मोटार के पास आ जाए तो लाइटिंग स्पेल अभी छोड़ दें, ले भाई निकल यहाँ से। तो चलो भाई हमारे पास ख़त्म हो चुका है, तकरीबन 2 कैनन्स ही बची हैं, और हमारे पास 2 बैलून्स भी हैं, तो बैलून्स वहाँ पे छोड़ देते हैं ताकि बॉम टावर यहाँ पे हमने विजर्ड भी छोड़ने, तो इसको टारगेट ना करें। तो यहाँ पे 2 बैलून्स छोड़ देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास विजर्ड्स भी हैं, तो विजर्ड्स भी यहाँ पर छोड़ देते हैं कहीं पर वक्त की मुनासिबत के साथ। हर काम वक्त की मुनासिबत के साथ आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए, क्योंकि तभी हम सक्सेस इसमें हासिल कर पाएंगे, और तभी हम इसमें 3 स्टार्स कर पाएंगे। तो हमारा एक विजर्ड तो चलो वो बॉम्ब में मर गया, और अच्छी बात है कि एक ही मरा है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम एक ही जगह पे छोड़ देंगे तो वो फिर सारे ही मर जाते हैं एक साथ, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता काम करना चाहिए भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई हमारे पास पैसे तो भाई फुल ही फुल हैं, क्योंकि अभी अभी नया सीज़न ख़त्म हुआ, और आज 2 सितंबर है, तो आज ही हम ये वीडियो अपलोड कर देंगे। तो बस आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो यार, एक न्यू यूट्यूबर को आप लोग सपोर्ट ही कर सकते हो, और आपके एक सब्सक्राइब से एक लाइक से कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, बस हमें एक सब्सक्राइब से एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 स्टार हम मार कर तो आ गए हैं, तो उसके बाद हमारे पास एक और अटैक बच रहा है। वैसे तो एक एक होते हैं, हम यहाँ पर नंबर 1 पर आ चुके हैं, लेकिन हमें अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है, इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 6 वार विन स्ट्रीक की चल रही है। ओलो ये बंदे भी हमारे पर अटैक कर रहे हैं कि भाई हम भी बस इनसे आगे निकलेंगे, लेकिन इनकी ये भूल है, हमें पहले नंबर पर ही रहना है। तो चलो हमारे पास एक और बेस है, उससे भी हम अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अपग्रेडेशन वगैरह कर देते हैं, इसको कर देते हैं, क्योंकि टाउन हॉल 9 किया तो हमें ये बहुत ही ज़रूरी होती है, और स्पेल फैक्ट्री को भी करना है। तो ये स्पेल फैक्ट्री अगर हम लगा देंगे तो होग्स को तो हीलिंग स्पेल चाहिए होती है ना, तो इसको डिलीट कर देते हैं, और इधर जाके इसको भी डिलीट करते हैं, और यहाँ पर हम
ब्रीफ स्पेल में सबसे पहले देखते हैं तो हम ये डाल देते हैं, और पॉइजन स्पेल भी हमें लेके जानी चाहिए कि नहीं हमें, चलो हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे पहले वॉल ग्रीज वगैरह और आर्मी वगैरह यहाँ पे रेडी करके होते चले हैं। हमारे पास जो दूसरा बेस है, तीसरा सॉरी बेस है, उससे भी हम अटैक कर दें, क्योंकि वो बंदे वहाँ पे अटैक कर रहे हैं कि बस हम इनसे आगे निकल जाएँ। नहीं भाई, हमें पहले नंबर पर ही रहना है। बस वो आके पैटल और वो जो एक डेविल नाम के बंदे हैं, वो दो बंदों ने काम ख़राब किया, वहाँ से हमारे दो स्टार्स जो वो रह गए। तो चलो भाई यहाँ से इसको भी अपग्रेड करो, और उसके बाद हमारा जो दूसरा बेस है वहाँ पर हम आ जाते हैं। और ये एक घंटे बाद हो नहीं है एक्सपो, तो चलो भाई अभी कर देते हैं। 27 जम्स हैं तो ये लो भाई, 27 जम्स लो भाई तुम। और जम्स वैसे ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हम दोबारा पता नहीं गेम चलाएं या ना चलाएं, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना होता है, स्कूल से आकर ट्यूशन भी जाना होता है, और उसके बाद और भी बहुत से काम होते हैं। तो हम न्यू आ जाते हैं, न्यू वाले बेस पर आते हैं। ये हम आ चुके हैं न्यू वाले बेस पर, देख सकते हैं भाई न्यू वाले बेस पर आ चुके हैं। तो ये बस हमने अटैक करने के लिए रखा है, क्योंकि मैंने नया नया क्लैन बनाया था, मैं क्लैन लीडर हूँ, और मैंने नया नया जब क्लैन बनाया था तो तब कोई भी बंदा आपको पता कि नहीं आता लेवल वन के क्लैन में कौन आता है। तो फिर इसलिए हमने अपना मैंने 3 IDs बना ली थी, और मेरे दो फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने गेम डिलीट कर दी और वो अब दोबारा नहीं डाउनलोड कर रहे। तो 3 IDs थी मेरी, हम लोग 5v5 लगाते थे, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा बंदे हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये आर्मी है, और इसे हम अटैक भाई क्यों ही करें, क्योंकि अगर हम हार गए तो भाई क्या फ़ायदा, 3 स्टार्स हमें लेने हैं। यहाँ पर एक बंदे ने अटैक किया, तो इसको छोड़ो आगे चलते हैं। इधर हम कर देते हैं अटैक, हमारे पास बस हम CC फिल कर आ जाएं। तो CC में जाके देखते हैं हमें क्या CC लेनी चाहिए। तो आ गए हैं बस हम अपने बेस पर, और यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा था। चलो भाई यहाँ पर हम CC पहले यहाँ पर देख लें, अपग्रेड है तो यहाँ पर अपग्रेड लगा देते हैं ड्रैगन को, क्योंकि अभी मैं ड्रैगन से अटैक्स नहीं करता, मैं होग से ही ट्रेन होने की कोशिश कर रहा हूँ कि होग से मैं ट्रेन हो जाऊँ, और टाउनल 10 और टाउनल 9 पर भी मैं होग्स की आर्मी से 3 स्टार मार पाऊँ, होग से ट्रेन होना। वैसे तो मैं 10 से ड्रैगन से अटैक करता हूँ, और वो भी 2 स्टार्स लेकर 10-15-20 ट्रॉफीज़ लेकर तो घर आ जाते हैं वापस, कि भाई अब ट्रॉफीज़ तो लेनी है ना, अब 3 स्टार नहीं होता तो बस ना हो। उसके बाद यहाँ पर हम वॉल्स वगैरह अपग्रेड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुए हुए हैं, तो हमें पैसे भी तो वहाँ पर कमा के आने हैं कि नहीं भाई वहाँ पर। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, अब यहाँ पर हम अपग्रेड कर लेते हैं इसको भाई, रोटेट करो, और यहाँ पर भी हमारी वॉल्स हैं तो ये इस वॉल को भी अपग्रेड करो। और उसके बाद पैसे तो भाई अभी भी बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं हमारे पास, पैसे अभी भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि भाई हम लोग यहाँ पर अपग्रेड कर रहे हैं, ये हमारी अपग्रेडेशन हो रही है, और उसके बाद हमें बस अटैक करने हैं, तो बस यहाँ पर अपग्रेड कर लेते हैं। ये होगी हमारी अपग्रेडेशन कम्प्लीट, यहाँ पर थोड़ी सी वॉच और भी रहती हैं, हम यहाँ पर इसको भी अपग्रेड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं, ये भी फुल अपग्रेडेड है, और उसके बाद हमारे पास मोटार भी फुल अपग्रेड है, और 2 मोटार्स हैं जो बस लेवल 1-1 की पड़ी हुई है, हमें इनको भी मैक्स तक लेकर जाना है, टेंशन नहीं लेनी। और उसके बाद किस चीज़ को अपग्रेड करना है भाई, पैसे की बहुत ज़्यादा पैसा हमारे पास बहुत ज़्यादा, तो इसको अपग्रेड कर देते हैं। और उसके बाद आ जाओ भाई हम अब अपने अटैक की तरफ चलें। ओ यार ये जंप बॉक्स मैं हमेशा ही तोड़ना भूल जाता हूँ, जिसकी वजह से दोबारा जंप बॉक्स तो नहीं आएगा ना। तो यहाँ से हम ले लेते हैं बॉलर्स, बॉलर्स नहीं लेने हमें, तो यहाँ से हम ले लेते हैं CC को क्लीन करने के लिए, हम ले लेते हैं जो CC है उसको मारने के लिए। यहाँ पर वॉल्क्रीन ही अच्छी रहेगी, हम यहाँ से ले लेते हैं। विजर्ड्स ही ले सकते हैं, विजर्ड्स ले लेते हैं, मिनियन ले लेते हैं, और आर्चर ले लेते हैं, यही हम क्लीन कर पाएंगे। वैसे हम ड्रैगन भी ले सकते हैं, बेबी ड्रैगन, लेकिन हमें नहीं चाहिए भाई, बाय करते हैं और चलते हैं अपने अटैक की तरफ। तो यहाँ पर अटैक करते हैं भाई। गाइज अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आर्चर मारो भाई, यहाँ पर आ गई भाई CC बाहर, यहाँ पर हम मारते हैं, नहीं विजर्ड मार देते हैं, क्योंकि मिनियन की स्पीड ज़्यादा है और मिनियन भाग कर आगे आ जाएगी, जिससे CC जो है पास नहीं आ पाएगी। तो यहाँ से हमने विजर्ड, एक और बॉलर निकला है, कोई नहीं है, इन्होंने बॉलर ही रखे हैं जो हम CC में अभी पहले फिल करने के लिए बॉलर डालने लगे थे, लेकिन नहीं हम यहाँ पर इसको बस ये गया। चलो भाई अब यहाँ से हम करते हैं अपने होग राइडर्स की बरसात, ये आगे भी हमारे होग राइडर्स, थोड़े से होग बचा लेते हैं और यहाँ से उसको शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर हम कर लेते हैं हीलिंग स्पेल, यहाँ पर डाल लेते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं हीलिंग स्पेल भी हमने यहाँ पर डाल दी है, और हमारे पास वो 3 बैलून्स भी हैं, लेकिन वो अभी वहाँ पर है एयर डिफेंस, इसलिए हम नहीं डालते यहाँ पर। हम वैसे तो होग से हमारा पूरा बेस क्लीन हो जाएगा, पूरा, लेकिन हमें कोई भी चीज़ वापस लेकर नहीं जानी, इसलिए हम यहाँ पर मिनियन छोड़ते हैं, यहाँ पर 3 बैलून्स छोड़ते हैं, और यहाँ पर अपना यहाँ पर छोड़ देते हैं स्पेल फैक्ट्री के पास अपना ये बारबेरियन किंग। तो गाइस हमारा हो गया ये 3 स्टार बेस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो देख लेते हैं अब यहाँ पर बस कितनी देर में होता है, 2 मिनट हो चुके हैं, और 1 मिनट में हमने पूरा बेस, हम चाहते तो 1 मिनट में ही क्लीन कर सकते थे ये बेस,
लेकिन चलो बस आहिस्ता आहिस्ता हर काम करना चाहिए, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हमें स्टार्स ही चाहिए। 93% 98 और ये 100% हो चुका है गाइस, ये 3 स्टार हमारा जो अटैक है ये हो चुका है। तो हमारे यहाँ पर स्टार्स कितने हो गए, 19 आई थिंक सो जी 19 हमारे पास यहाँ पर स्टार्स हो चुके हैं। हम नंबर 1 पर हैं और हमारा जो डिस्ट्रक्शन है वो भी 624 है। तो हमें इसी तरह बस आगे आगे जाते रहना है। तो गाइज अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, अब हमारे पास एक एक अटैक होता है वरना ये तो बूस बेस पूरा ही 30 स्टार्स हम यहाँ पे कर लेते हैं। 15 की है ये, तो 15 3 बार भाई 45 स्टार्स कर लेते हैं पूरे के पूरे, पता भी ना चलता 2 मिनट में कर लेते हैं। जैसे हमारे सारे बंदों ने पहले अटैक्स कर लिए हैं और मैं एंड पर कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा एंड पर ही अटैक्स करता हूँ, मैं पहले दूसरों के अटैक्स देखता हूँ। तो हम यहाँ पे अपनी दूसरी आईडी पर आ जाते हैं, बस जो हमारी मेन आईडी है TH10 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी TH10 की आईडी, और TH10 की आप यहाँ पर आईडी देख सकते हैं गाइज, ये हमारा TH10 जो कि मेन बेस है। तो गाइज अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है और हम इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पर स्प्रेड ये क्विक ट्रेन में जाके हम कर लेते हैं दोनों दफ़ा ट्रेन, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा बहुत ही अच्छा सा ये बेस है, हमारी एक्सपो भी इधर तक पहुँच गई है। हम मोटार्स भी करेंगे लेकिन हम सबसे पहले डिफेंसिस वगैरह जो हैं वो पहले मैक्स कर लें, और उसके बाद एक ये गोब्लिन मेज चैलेंज आया हुआ वो भी आप लोगों को, मेज चैलेंज आप लोगों को अभी दिखाऊंगा मैं, अभी ये कर कर फिल करके आपकी तरफ यहाँ पर अपलोड कर दूंगा आपके लिए। तो चैनल को प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बस बहुत सी ऐसी आइंदा वीडियोस आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।